क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दो पर बात करेंगे। इससे पहले आप लोग को पिछला वीडियो में हम बताए थे इस तरह से एक ग्राफ में हर एक पार्ट को बताए थे, फिर भी एक बार इसमें आप इस फिगर को देख सकते हैं। देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। क्वेश्चन आपका है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये नीचे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आकृति आपको देखना है। इस आकृति को देखते हुए आपका ये क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बी के निर्देशा, सारे बच्चों बी कहाँ लिखा हुआ है ग्राफ में? यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज यहाँ पे गौर करना है कि बी का निर्देशा यानी एक्स और वाई का वैल्यू, बी का निर्देशा इस तरह से एक्स और वाई, पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई, ठीक है। फर्स्ट वाला को भुज बोलते हैं, उसके बाद वाला को कोटि, ठीक है। तो बी के निर्देशांक में पहले एक्स, एक्स वाला लाइन मेरा इधर से आया है, लिखा कटा हुआ ये फाइव माइनस फाइव को ये कटा हुआ है, हम लिखेंगे माइनस फाइव, और y का जो इधर से आया हुआ है दोनों का आपने इंटरसेक्ट किया है बी पर, इसका मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस फाइव टू। इस तरह से आप बी का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस फाइव और टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो में सी के निर्देशांक, आप देखिए इस फिगर में सी कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। अब सी में देखना है एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो कितना कितना नंबर में इंटरसेक्ट किया है। पहले एक्स देखना है, एक्स वाला लाइन इधर से आई है, एक्स का वैल्यू आप देख रहे हैं, एक्स का लाइन इधर से आया हुआ है, एक्स का वैल्यू फाइव है, फाइव को इंटरसेक्ट किया इस तरह से। इस तरह से हम लाइन को और बढ़ा सकते हैं, और इधर वाला माइनस फाइव वाला क्या कि ये दोनों लाइन का जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है वहाँ पर एक सी पॉइंट दिया हुआ है, तो सी का आपको निर्देशांक लिखना है। सी का निर्देशांक यानी पहले एक्स का वैल्यू, एक्स का कितना आया हुआ है फाइव, और फिर वाई का वैल्यू कितना आया हुआ है मेरा माइनस फाइव। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर दो का सी का निर्देशांक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका क्वेश्चन पूछा है कि निर्देशांक माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है कि किस बिंदु पर इस पॉइंट को प्रतिच्छेद किया है। माइनस थ्री, माइनस थ्री कहाँ पर है? एक्स का वैल्यू माइनस थ्री यहाँ पर, उसके बाद वाई का वैल्यू माइनस फाइव, वाई देखें आप यहाँ पर माइनस फाइव है, ये पहले एक्स वाला वैल्यू इधर से आया, फिर वाई वाला वैल्यू इधर से आया, दोनों का आपने इंटरसेक्ट किया है ई पर, ये पहचाना गया बिंदु क्या है आपका? ई है। यहाँ का जो आपका पॉइंट हो जाएगा ये माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, ठीक है। तो निर्देशांक आपका माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है आपका? ई है। क्वेश्चन नंबर चौथा में हम देखते हैं कि निर्देशांक माइनस टू कॉमा माइनस फोर द्वारा पहचाना गया बिंदु, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। इसका पहचाना गया बिंदु ही बताने को रहा है, ठीक है। टू और फोर है, एक्स का वैल्यू टू देखिए प्लस में, एक्स का वैल्यू कहाँ पर टू है? यहाँ पर ठीक टू है। उसके बाद माइनस फोर देखिए, माइनस फोर यहाँ पर है, एक्स वाला लाइन इस तरह से आया और वाई वाला लाइन इधर से गया, ये कटते हुए जाना चाहिए, तो टू वाला वैल्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पर टू और वाई का वैल्यू कितना है आपका माइनस फोर। टू और माइनस फोर द्वारा पहचाना गया कि निर्देशांक का बिंदु बताना है, कितना बिंदु उसका डिनोट किया गया है, तो बिंदु आपका क्या हो जाएगा? जी। क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहा है डी का भुज बताना है। आपका फिगर में देखिए डी कहाँ लिखा हुआ है? डी यहाँ लिखा हुआ है। अब डी का पहले इसका बिंदु लिखना है, निर्देशांक यहाँ पर लिखिए, डी में पहले एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू सिक्स दिया हुआ है सिक्स, और वाई का वैल्यू आपका कितना दिया है टू, तो यहाँ पर आपको लिखने को है कि डी की भुज बताइए, डी का भुज बताना है यानी भुज। अब देखिए यहाँ पर फिगर में हम आपको बताएंगे डी की भुज, यानी एक्स को हम
लिखने को रहा है कि भोज बी का भोज आपका 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बिंदु एफ का निर्देशांक आप फिगर में देखिए, एच का निर्देशांक कहां है? एच आप देख रहे हैं यहां पर है, एच में देखिए एक्स वाला वैल्यू में इधर से आया है, यानी -5 ऊपर की तरफ किया है, -5 हो गया। वाई का कितना पे है? -3 पे आया है। तो एच का निर्देशांक आप आसानी से देख सकते हैं, एच का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एस का निर्देशांक -5, -5, -3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप 7 देखिए, 7 का क्वेश्चन है कि बिंदु एल के निर्देशांक बताना है, ठीक है? तो एल के निर्देशांक इस फिगर में आप देखिए कि एल कहां लिखा हुआ है, मेरा फिगर में यहां लिखा हुआ है, ठीक है? एल में आपका ये निर्देशांक का पॉइंट लिखना है, बिंदु लिखना है। आप यहाँ पर एल में सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा वाई को इस कटा हुआ है और मेरा एक्स वाला वैल्यू नहीं गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है आपका एक्स में भी कटा हुआ है, वाई का वाई में भी कटा हुआ है, यानी यहाँ पर आप वाई में कटा हुआ है और ये एक्स वाला वैल्यू इधर से गया हुआ है, तब देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है? तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 0, भले 0 लिखना है, फिर उसके बाद कितना लिखना है? y के बराबर 5। तो l के निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, 5। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देखते हैं इसके बाद कि बिंदु m के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m देखिए इस फिगर में कहाँ मेरा लिखा हुआ है, बिंदु m यहाँ पर है। बिंदु m में आप x का वैल्यू पहले लिखना है, तो ये x नहीं, ये लिखा हुआ है x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू आपका -3। अब यहाँ पर और लाइन दिखाई दे रहा है, सिर्फ x वाला ही वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। y का वैल्यू इसमें कितना है? x अक्ष पे y का वैल्यू कितना आएगा आपका? 0 आएगा, ठीक है? इस तरह से आप m का भी पॉइंट कितना लिखिएगा? -3, 0। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारा आंसर हम लिखे। इसके बाद आप एग्जांपल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, तो आप बिंदु को पहचान कर आप उसका आंसर आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको किसी तरह से अगर दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।